हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रेस एंड ग्लो। दिस इज मंजुला सिंह ब्यूटी एक्सपर्ट। और जैसा कि मैंने जो 6 वीक्स है वो चैलेंज है उसके रिजल्ट वाले सेक्शन में मैंने वादा किया था कि अगला जो सीरीज आने वाला है HST सीरीज है, जिसमें हेयर एंड स्किन ट्रीटमेंट है, यानी आपके हेयर के साथ साथ स्किन की भी ट्रीटमेंट होगी और जो पूरी तरह से डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स के निगरानी में बनाया जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये मेरा वीडियो रेडी है और ये आज पहला एपिसोड है, उसका पहला पार्ट है। तो अब मेरा जो वीडियोस होंगे वो सिर्फ बालों के ट्रीटमेंट पे बेस्ड नहीं होंगे। सिर्फ मैं कोई लिमिटेशन नहीं रखना चाहती कि सिर्फ हेयर केयर हो या स्किन केयर हो। मेरे इस वीडियो में आपको कुछ भी मिल सकता हो सकता है फर्स्ट 2 मिनट्स कुछ और हो, उसके बाद का 2 मिनट के बाद कुछ और चीज मिल जाए और लास्ट के जो पार्ट में कुछ और मिल जाए। मैं अब अपने वीडियोस को मल्टीटास्किंग बनाना चाहती हूँ। ना सिर्फ इसमें इस ब्यूटी से रिलेटेड आपको चीजें मिलेंगी, हेल्थ से रिलेटेड भी मिलेंगी और साथ ही साथ फिटनेस से रिलेटेड मिलेंगी। तो आज ये HST जो सीरीज है उसका ये पहला वीडियो है, पहला पार्ट है। तो आज के पार्ट में मैं बताने जा रही हूँ कि अगर आपका हेयरफॉल बहुत ही ज्यादा हो रहा है, सीवियर हेयरफॉल हो रहा है, उसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और किस तरह के हेयरफॉल का जो ट्रीटमेंट है वो किस तरीके से होता है। साथ ही साथ दूसरे सेगमेंट में बताऊंगी कि अगर आपकी स्किन पे बहुत सारे प्रॉब्लम है, उसका पहला स्टेप जो है उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए जिसके बाद आपकी स्किन के कभी कोई प्रॉब्लम्स होंगी ही नहीं। अगर होंगी तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ही आसानी से हो जाएगा, लेकिन पहला स्टेप क्या होना चाहिए ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। स्किन पे कुछ होता है, आपको लोशन लगाना, मास्क लगाना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली आपको क्या करना चाहिए ये आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो चलो इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिए, HST सीरीज को फॉलो कीजिए और अपने स्किन को, अपने बालों को, दोनों को बनाइए बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। तो चलिए देखते हैं आज के पार्ट में आपको क्या फॉलो करना है। आपके हेयरफॉल कंट्रोल करने के लिए, आपके बालों के तरह तरह के समस्या के समाधान के लिए सीधे सीधे मैं आपको किचन में लेकर आई हूँ, क्योंकि यहीं पे ये वाला रेमेडी बनेगा। तो मैंने सोचा समय बर्बाद क्यों करूँ कि पहले इंग्रेडिएंट्स दिखाऊँ उसके बाद मैं प्रोसेस दिखाऊँ, तो डायरेक्टली मैंने सोचा क्यों ना प्रोसेस दिखा दिया जाए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने कोकोनट ऑयल लिया है और फ्लेम ये मैंने ऑन कर दिया है। स्लो फ्लेम ही रखूँगी क्योंकि कोकोनट जो है वो बहुत जल्दी हीट हो जाता है, तो इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा वो फ्लेम को तेज नहीं रखेंगे। और इसमें फटाफट हम अपने इंग्रेडिएंट्स को ऐड करना शुरू कर देंगे। तो ये जो पहला इंग्रेडिएंट है ये थोड़े से मैंने मेथी के दाने लिए हैं, जो किसी भी ऑयल में डालने से इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये आपको पता है। तो ये देखिए मेथी के दाने इसमें चले गए। अब ये कलौंजी के दाने जा रहे हैं, ये भी उतना ही ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। और अब जो ये मैं डालने जा रही हूँ खास चीज़, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए बीटल लीव्स हैं, पान के पत्ते। मैंने 1-3 बार इसके रेमेडीज मैंने आपको बताए हैं, लेकिन एक बार फिर से इसकी ज़रूरत आ पड़ी है तो मैंने फिर से सोचा क्यों ना बीटल लीव का ऑयल बता दूँ। तो ये देखिए हीट हो चुका है, तो फ्लेम को मैंने बिल्कुल स्लो कर दिया है और उसमें ये पान के पत्ते मैं तोड़ कर डाल रही हूँ। पीस के डालने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आपको स्टीम करने में दिक्कत आएगी। ये मैंने देखिए इस तरह से डाल दिया और ये तब तक इसको कुक करना है जब तक ये तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट हमारा इस ऑयल में अच्छी तरह से इनकॉर्पोरेट ना हो जाए। उसके बाद एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ हम डालेंगे जो इसके बेनिफिट को और भी बढ़ा देगा, वो है ये थोड़ा सा आंवला। ये देखिए ग्रेटेड आंवला है, अभी सीज़न में ये मिल भी रहा है तो आराम से ये अवेलेबल होगा आपके लिए। तो ये इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने मिक्स कर दिया है और ज़्यादा नहीं, 30 सेकेंड टू 1 मिनट तक हम इसको छोड़ देंगे। तो फ्लेम पे इसको रखिएगा, नहीं तो जो ऑयल का बेनिफिट है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो ये जो लीव्स हैं, दाने हैं मेथी के, वो सारे अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए हैं और उसके बाद हम इसको स्ट्रेन करेंगे। सो ऑयल तो रेडी हो गया। अब इसको एक साफ और ड्राई कंटेनर में स्टोर करें, फ्रिज में रखें, अप्लाई करें वीक में कम से कम 2 बार। जिन्हें सीवियर हेयरफॉल की प्रॉब्लम है वो ओवरनाइट भी अप्लाई कर सकते हैं, वीक में 3 बार भी अप्लाई कर सकते हैं। मसाज करना है अपने स्कैल्प में, जड़ से सिरे तक लगाना है, 2-3 घंटे के लिए छोड़ देना है, उसके बाद शैम्पू कर लेना है। अगर इसको आप लंबे समय तक सही सलामत रखना चाहते हैं तो ऐड कीजिए कुछ ड्रॉप्स एसेंशियल ऑयल का, इसके बाद इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। इसको आप डबल बॉयलर मेथड से भी बना सकते हैं, मैंने जल्दी था इसलिए आपको हीट करके दिखा दिया। अदरवाइज अगर आप इस ऑयल का बेनिफिट बिल्कुल सिक्योर रखना चाहते हैं तो डबल बॉयलर मेथड ही अप्लाई करें। इसे आप बच्चों भी अप्लाई कर सकते हैं, इससे हेयरफॉल तो कंट्रोल होगा ही, साथ ही साथ आपके बालों की रीग्रोथ भी होगी। आंवले में लोड्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन C होता है जो आपके बालों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये आपके बालों के लिए मेडिसिन की तरह काम करता है। साथ ही साथ जो बीटल लीफ है, पान का पत्ता है, वो भी आपके बालों के लिए एक तरह का मेडिसिन है। आयुर्वेदा के अनुसार बीटल लीफ न सिर्फ आपके हेयरफॉल को कंट्रोल करता है बल्कि बालों की रीग्रोथ भी इससे होता है। ये आपके हेयर के लिए नेचुरल हेयर कंडीशनर है, साथ ही साथ एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल और एंटी इंफ्लामेटरी भी है। यानी ये आपके स्कैल्प के तरह तरह के इन्फेक्शन को ट्रीट करके स्कैल्प को हेल्दी बनाकर आपके बालों की उम्र को बढ़ाएगा। अब बात करते हैं स्किन केयर की। अगर आपको अपने स्किन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम दिखाई दे तो सबसे पहले आप अपना फेस वॉश चेंज कीजिए, उसको चेक कीजिए, या फिर जो भी उपटर्न फेस मास्क लगाती हैं उसको चेक कीजिए। और कोशिश कीजिए कि उसको चेंज करने का, क्योंकि हो सकता है वही आपको सूट नहीं कर रहा हो। हम जब गलत फेस वॉश यूज करते हैं उसके बाद ही हमारे स्किन की प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाती है। और जो भी आप फेस पैक यूज कर रहे हैं या उबटन यूज कर रहे हैं, अगर वो लगे कि वो सही है, रीजन कुछ और है, तो उसमें ऐड करें कुछ ड्रॉप्स आंवला जूस, जो गूसबेरी जूस होता है फ्रेश ग्रीन वाला, उसके कुछ ड्रॉप्स आप ऐड करें, या फिर बीटरूट का जूस ऐड करें। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके स्किन की प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो जाएगी, आपको ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होगी। इसी वाले फेस पैक या फेस मास्क के थ्रू आप अपने स्किन का पूरी तरह से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी HST सीरीज में मैं आपको 5 फेस वॉश बताऊंगी जो आपके स्किन के लिए सेफ भी होगा, बेस्ट भी होगा, और उसको यूज करने के बाद आपके स्किन की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। यानी वो आपके स्किन को हर तरह के प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करके रखेगा, आपके स्किन को ब्यूटीफुल बनाएगा। देखा आपने कितना यूजफुल था ये सीरीज। आपके स्किन के साथ साथ आपकी हेयर की भी ट्रीटमेंट होगी। और ये सारा का सारा जो सीरीज है, पूरा का पूरा सीरीज HST जो नेक्स्ट लेवल है, वो मैंने बनाया है डॉक्टर्स के सुपरविजन में। तो जाहिर सी बात है इसमें किसी तरह का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें जो भी ट्रीटमेंट आपको मिलेंगे, जो भी प्रोडक्ट के बारे में बताया जाएगा, वो सारे के सारे मेडिकेटेड होंगे और वो सारे के सारे डॉक्टर्स के एडवाइस के बाद मैंने आपको बताया। ये आप दिमाग में रख के चलिए और इसका रिजल्ट जब 100% आएगा तो बस आप बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए ग्रेस एंड ग्लो के साथ। और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा ही अच्छा लग जाए तो शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।